नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को यह जानकारी दूंगा कि लैटरल एंट्री से डिप्लोमा कैसे किया जाता है और इसके लिए क्या प्रोसेस है, एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या क्या पूछे जाते हैं और जो डिप्लोमा करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है वो 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स का सर्टिफिकेट मिलता है कि 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स का सर्टिफिकेट मिलता है, इसके संबंध में बात करेंगे। बहुत सारे छात्रों को कन्फ्यूजन रहता है कि लेटरल एंट्री से अगर डिप्लोमा करते हैं तो क्या वह उन्हीं के इक्विवेलेंट होते हैं जो 3 ईयर डिप्लोमा करते हैं। सारी बातों की जानकारी देंगे। इसके साथ साथ आज एक नई सूचना भी है कि उत्तर प्रदेश में के जितने भी छात्र हैं जो ITI पास हैं उनके लिए ये मौका भी है लेटरल एंट्री से डिप्लोमा करने के लिए, जिसकी अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है जो कि 30 जुलाई 2021 तक कर दी गई है। तो आप इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भर के एडमिशन भी ले सकते हैं और यह भी बताएंगे कि यह कोर्स करने से क्या फ़ायदा होगा आपको और किसे यह कोर्स ज़रूर करना चाहिए। तो देखिएगा पूरा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग आपके लिए करियर संबंधित अच्छी अच्छी वीडियोज लाते हैं और इसका फ़ायदा आपको जो अवश्य मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि लैटरल एंट्री डिप्लोमा पॉलिटेक्निक करने के बाद कैसे किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे जो इजी माध्यम है वह है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के लिए जो कंबाइंड एंट्रेंस एग्ज़ाम संचालित किया जाता है उसी के द्वारा लैटरल एंट्री के भी एग्ज़ाम संचालित किए जाते हैं और प्रत्येक गवर्नमेंट कॉलेज में 10% सीट आरक्षित होती है लैटरल एंट्री से एडमिशन के लिए। और आप जानते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेजों का फीस बहुत कम है तो गरीब छात्र भी इसका फ़ायदा उठा सकता है। अतः आपके पास एक मौका है यह करने का और ये भी समझ लीजिए कि इसको करने से आपको 2 ईयर सर्टिफिकेट नहीं मिलता है बल्कि 3 ईयर का सर्टिफिकेट मिलता है। जिस तरह से 3 ईयर सर्टिफिकेट कोई 3 साल में डिप्लोमा करता है हाई स्कूल के बाद, उसी तरह आप ITI पास के बाद अगर डिप्लोमा करते हैं तो वह उसी के इक्विवेलेंट होता है, उन सभी वैकेंसियों के लिए एलिजिबल होता है जो 3 ईयर डिप्लोमा होता है और सेम सर्टिफिकेट होता है, कोई डिफरेंस उसमें नहीं होता है। इसके लिए आपको फर्स्ट ईयर में कुछ एग्जाम पेपर भी देने होते हैं, इसकी चर्चा भी बाद में करेंगे हम लोग। अब ये भी जान लेते हैं कि आपको इसको करने से क्या फ़ायदा होने वाला है। देखिए सबसे पहले आपको UP वालों को पहले बता दें कि वो छात्र जिनकी उम्र 27 साल से कम है उन्हें अवश्य करना चाहिए इस लेटरल एंट्री से डिप्लोमा को, क्योंकि उनके पास बहुत अभी मौके हैं गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने के लिए। और गवर्नमेंट जॉब में ITI पर आप आ भी जाते हैं तो आपको प्रमोशन बहुत अच्छा होगा, इसकी जानकारी भी मैं दूंगा आपको। तो पहला फ़ायदा तो यह है कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पुनः कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे, जिससे आपको ITI लेवल पर एग्ज़ाम निकालना बहुत आसान हो जाएगा। दूसरा फ़ायदा यह है कि आप JEE एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे। इसके साथ साथ अगर ITI पर आप सिलेक्शन पा लेते हैं तो क्या होगा, आप प्रमोशन में भी आपको एलिजिबिलिटी होगी। अब जैसे मान लीजिए कि UPSC की बात करते हैं तो UPSC में जो प्रोसेस है TG2 से JEE बनने के लिए, अगर कोई डिप्लोमा धारी TG2 है तो उसके लिए 8.3333 कोटा स्पेशल निकलता है उन TGT के लिए सिर्फ जो डिप्लोमा होल्डर हैं, और उन्हें सिर्फ 5 साल की नौकरी के बाद ही यह मौका JEE बनने का मिलता है। जबकि जो डिप्लोमाधारी नहीं है वो मिनिमम 10 साल पूरा करने के बाद 40% कोटे के तहत वैकेंसी जो खाली रहती है उसमें JEE बन सकते हैं। तो सीधे सीधे 5 साल पहले आप JEE बन सकते हैं UPSC में। उसी तरह रेलवे में अगर जाते हैं आप तो रेलवे में एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होती है GDC, जनरल डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, उसमें उन्हीं लोगों को बैठने की अनुमति होती है जिनके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन
उस योग्यता का होता है, अर्थात अगर जेई की जीडीसी वैकेंसी आती है तो आपको जो डिप्लोमाधारी हैं, चाहे किसी भी पोस्ट पर काज कर रहे हों, एएलपी हों या ग्रुप डी में भी हों, उनको एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो डिप्लोमाधारी होते हैं, जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हैं, तो बहुत आसानी से आप प्रमोशन पा सकते हैं। तीसरा फायदा यह है आपको कि देखते हैं कि आप बहुत सारे टेक्नीशियन में भी अब डिप्लोमा होल्डर को अलाउ करने जाने की संभावना है। क्योंकि एक अभी देखिए कई कोटों में इस बात का पेंडिंग ये वैकेंसी है, पेंडिंग केसेज हैं, जिस तरह से हाई स्कूल पास वैकेंसीज पर आपको ग्रेजुएशन के छात्र फार्म भर सकते हैं, उसी तरह इसमें भी टेक्निकल क्षेत्र में भी लोग मांग कर रहे हैं कि क्या आईटीआई पास पर डिप्लोमा क्यों नहीं जा सकते। तो इन केसों के लिए बचने के लिए भी बहुत सारा आपके पास उपाय हो जाएगा इन फ्यूचर के लिए। अभी तो ऐसा नहीं होने वाला है, लेकिन भविष्य में हो सकता है कि इसकी एलिजिबिलिटी बढ़ा दिया जाए, क्योंकि ग्रुप डी की एलिजिबिलिटी ऊपर की जा रही है, तो हो सकता है कि आईटीआई सिर्फ ग्रुप डी में मांगने लगे और टेक्नीशियन में आपको डिप्लोमा मांगने लगे। क्योंकि कई राज्यों में जैसे राजस्थान को ले लिया जाए तो वहाँ पर जेई में बीटेक एलिजिबल कर दिया है, डिप्लोमा को एलिजिबल नहीं किया है, और टेक्नीशियन में वैकेंसी अभी वहाँ नहीं आ रही है। ठीक है, और क्या हो रहा है कि डिप्लोमा टेक्नीशियन में भी अलाउ हो सकता है, क्योंकि वहाँ हेल्पर की वैकेंसी आती है, ग्रुप डी की जो होती है उसमें आईटीआई एलिजिबल कर दिया गया है। तो ये सब बातें हैं, आपको बहुत सारे फ़ायदा है, आप इसको करना चाहिए। बहुत ज़्यादा एज हो गया है तो फिर आप कंटिन्यूस अपनी आईटीआई पर फोकस करिए। और इसके साथ साथ अगर प्राइवेट जॉब में भी आप जाते हैं तो आपको सैलरी में काफ़ी फ़र्क मिलता है, और नेचर वर्क में भी डिप्लोमा करने के बाद काफ़ी फ़र्क मिलता है। जहाँ आईटीआई पास वाले अगर प्राइवेट जॉब के लिए जाते हैं तो उनको 15 से 20 हज़ार रुपये दिया जाता है, वहीं डिप्लोमा पास वाले को ये 25 से 30 हज़ार रुपये दिए जाते हैं, और काम भी आपका ईजी होता है। तो आपको करने से गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब दोनों में फ़ायदा है, डायरेक्ट वैकेंसी के लिए फ़ायदा है और प्रमोशन के लिए भी फ़ायदा है, तो कहीं से इसमें आपका नुकसान नहीं है, इसलिए आपको करना चाहिए। अब उठता है कि कैसे करें। तो देखिए अभी उत्तर प्रदेश में फरवरी में ही पॉलिटेक्निक एडमिशन के लिए आपको वैकेंसी आवेदन किया गया था, मांगा गया था, जिसको बढ़ाकर अभी कोरोना के कारण बीच में पोस्टपोन्ड हो गया था, 30 जुलाई 2021 तक कर दिया गया है। अब आप jwcp.org पर जाएंगे, इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। अब देखिए जो भी लेटरल एंट्री का फॉर्म भरेगा वो के ग्रुप में भरेगा, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री के ग्रुप। के ग्रुप में क्वालिफिकेशन क्या है, 10+ ITI, और इसका नोटिफिकेशन भी है। और इसमें देखिए अगर आप भरते हैं के ग्रुप में तो आपको एंट्रेंस के लिए जो एग्ज़ाम पूछे जाएंगे उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री से 40% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपके ब्रांच से जो क्वेश्चन होगा, जैसे इलेक्ट्रिकल कोई इलेक्ट्रिशियन से किया है या वायरमैन से किया है या इलेक्ट्रोप्लेटर से किया है, तो उनके लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से 60% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी तरह मैकेनिकल से जो किया है 40% फिजिक्स केमिस्ट्री से मैथ से क्वेश्चन होंगे, और आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग से 60% क्वेश्चन होंगे। तो ये सारा चीज़ का डिटेल्स मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, इसकी PDF आप वहाँ से पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। और आपका जो भी होगा फर्स्ट ईयर में भी आपको कुछ पेपर्स पास करने होते हैं, जिस तरह से फाउंडेशन देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, फर्स्ट ईयर के जो लेटर आइडेंटी के डिप्लोमा छात्र होते हैं एक लिमिट समय दिया जाता है आपको, उसमें फाउंडेशन कम्युनिकेशन मैथ फर्स्ट ए फर्स्ट बी और फिजिक्स अप्लाइड केमिस्ट्री आपको पास करना पड़ता है, जो टोटल पेपर होता है 6 पेपर होता है फर्स्ट ईयर के, आपके आपको क्लियर करना होगा। तो बड़ी बात नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको ट्राई करना चाहिए, और गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए तो आप अवश्य करें, क्योंकि बहुत कम पैसे में आपका ये हो जाएगा और आपकी तैयारी भी कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि वहाँ भी जो पढ़ना होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पुनः पढ़ना होगा, आपकी पढ़ाई भी कंटिन्यू रह सकती है, आपको स्टाइपेंड भी प्राप्त होंगे, तो बहुत सारे फायदे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो समझ में आया होगा और आपको एडमिशन लेना चाहिए यदि आपका उम्र 27 वर्ष से कम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।